आज शहर में आग लगने की 3 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पहली घटना महापल्ली में और दूसरी घटना मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक और तीसरी घटना जूट मिल क्षेत्र के ही बांझिनपाली मोहल्ले की है। वार्ड नंबर 32 के बांझिनपाली मोहल्ले के एक घर में बिजली से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग से घर में रखा टेंट हाउस का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आग की इस घटना में करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये की नुकसान हुई है। जानकारी के अनुसार आग लगने के समय घर में केवल महिलाएं और बच्चे ही थे, पुरुष किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। शाम तकरीबन 7:30 बजे के करीब अचानक घर से धुआं निकलने लगा। परिवार के सदस्यों ने बताया कि घर में आग लग गई है। मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर घर के सभी लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और मोहल्ले के ही किसी एक जागरूक युवक ने तत्काल फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद से तत्काल फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई, किंतु जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घर के सदस्य ने बताया कि छोटा सा नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेकर टेंट हाउस का सामान खरीदा था, जिसकी लागत लगभग 50 से 60 हज़ार थी, जो कि घर में आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसी कड़ी में जूट मिल क्षेत्र के ही मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक में भी एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं चकदर नगर के महापल्ली क्षेत्र में भी एक किसान के खेत में आग लग गई, जिसमें उसका पैरावट जलकर राख हो गया। कोई भी होगा ना, मैं पता कर रहा हूँ। पूरा गर्म हो गया है ना, टार्च ले जाओ भैया, टार्च ले जाओ। नमस्ते नमस्कार, आप भी भैया जाब कुमारी के अंदर में लगा था भैया। अभी भी खोल दो आगे कोई भी होगा ना, मैं पता कर रहा हूँ। हाँ जी, पता कर रहा हूँ। चप्पल अब्बल है क्या भैया? चप्पल 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 चप्पल।